भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जमाइका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस के बीच दिल्ली में दो दिन की शिखर वार्ता हुई। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्रिकेट जगत में यूनिवर्स बॉस के नाम से मशहूर क्रिस गेल के बीच भी बातचीत हुई। क्रिस गेल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जहां उन्होंने कैप्शन में लिखा, जमाइका टू इंडिया वन लव। इस वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते वक्त यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया और उसके बाद कुछ देर तक बातचीत हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको नमस्ते कर अभिवादन दिया और इसके बाद ही क्रिस गेल पर भारत की ओर से जमकर प्यार लुटाया जा रहा है। लोग कमेंट कर रहे हैं कि यूनिवर्सल बॉस ने नमस्ते कर भारत के प्रधानमंत्री और भारतवासियों का दिल जीत लिया। आपको बता दें कि भारत का ये कल्चर है, जब कोई मिलता है तो उसको नमस्ते करके हाथ जोड़कर उसका स्वागत किया जाता है। इसके बीच भारत के प्रधानमंत्री और जमाइका के प्रधानमंत्री के बीच बातचीत हुई। दोनों ही देशों के प्रधानमंत्री ने एक दूसरे को बैट गिफ्ट किया। जमाइका के प्रधानमंत्री ने जो पीएम मोदी को बल्ला दिया है उस पर क्रिस गेल के साइन थे और पीएम ने भी जमाइका के प्रधानमंत्री को एक बैट भेंट में गिफ्ट किया। 45 वर्षीय क्रिस गेल ने मुलाकात का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, जमाइका टू इंडिया वन लव। इसके बाद पीएम मोदी ने होलने से बैठक के बाद कहा, भारत और जमाइका के बीच संबंध हमारे साझा इतिहास, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और मजबूत जन आधारित संबंधों पर आधारित हैं। हमारे संबंधों को कल्चर, क्रिकेट, कॉमनवेल्थ और कैरीकॉम अंकित करते हैं। इस बैठक में हमने सभी क्षेत्रों में अपना सहयोग सुदृढ़ करने पर विचार किया और कई नई पहलों की पहचान की। भारत और जमाइका के बीच व्यापार और निवेश में एक वृद्धि हो रही है। जमाइका की विकास यात्रा में भारत सदैव एक विश्वसनीय और प्रतिबद्ध विकास साझेदार रहा है। इस दिशा में हमारे सभी प्रयास जमाइका के लोगों की आवश्यकताओं पर आधारित रहे हैं। पीएम मोदी और यूनिवर्सल बॉस के बीच मुलाकात का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।